भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला गया, जिसे भारत ने 137 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। लेकिन इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगा हुआ है। मेलबर्न पिच को आईसीसी ने औसत रेटिंग करार दे दिया है। वहीं औसत रेटिंग मिलने के बाद भी पिछले साल की तुलना में आईसीसी ने इस बार पिच को अच्छी रेटिंग दी है। पिछले साल एमसीजी के इस पिच को 3 डिमेरिट्स पॉइंट्स मिले थे, लेकिन इस बार औसत रेटिंग मिलने का मतलब ये हुआ कि पिच को कोई भी डिमेरिट पॉइंट्स नहीं मिले हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए रात की सांस हो सकती है। आपको बताते चले कि आईसीसी के नियम के हिसाब से अगर किसी भी पिच को 5 साल के अंदर 5 डिमेरिट्स पॉइंट्स मिलते हैं तो उस पिच का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा खत्म हो जाता है। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए रात भरी खबर है कि उसे मेलबर्न पिच को बचाने के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाएगा। यह आपको बताते चले कि एमसीजी का ये पिच 15 साल पुराना है और अगले सत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाना है। साथ ही आपको ये भी बता दे कि एक नए पिच को बनाने के लिए कम से कम 3 साल का वक्त लग जाता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।